मनुष्य हजारों सालों से जानवरों को अपनी खुराक बनाता आया है, लेकिन चाइना में कुछ ऐसे भी जीवों को खाया जाता है जिन्हें आम व्यक्ति खाने की तो दूर, उन्हें देखकर ही डर जाए। तो चलिए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं चाइना में खाए जाने वाले ऐसे 5 जानवर जिन्हें दुनिया में कहीं भी नहीं खाया जाता। क्रोकोडाइल मीट, मगरमच्छ का मांस। ये एक ऐसा प्राणी है जो इंसानों को कच्चा चबा जाए, लेकिन चाइना के लोग इसे भी नहीं छोड़ते। चाइना के कई रेस्टोरेंट में इनका सूप रोस्टेड कई प्रकार के सॉस के साथ खाया जाता है। चाइना में इनका मीट काफ़ी महंगा मिलता है। ये सख्त चमड़ी वाला जानवर चाइना के अलावा कहीं भी नहीं खाया जाता। सेंटीपीड्स, भारत में इसे 20 पैरों वाले कीड़े के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह चाइना के सभी रेस्टोरेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको बता दूं कि इस कीड़े का स्वाद एक जूते चबाने ही जैसा है, इसलिए चाइना के लोग इसे कई प्रकार के अल्कोहलिक ड्रिंक्स और सॉस के साथ खाते हैं। डॉग्स, कई लोगों का ये पालतू जानवर असल में चाइना में खाया जाता है। चाइना के कई पिछड़े इलाकों में इनका मार्केट सर्दियों के वक्त लगता है। ऐसा माना जाता है कि सर्दियों के दिनों में कुत्तों का मांस एक या दो बार खाना जरूरी होता है। आपको बता दें कि इन कुत्तों का मांस काफ़ी सस्ते दामों पर बिकता है। माइस यानी कि चूहे का बच्चा। कुछ साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें चाइना का एक आदमी चूहे के बच्चों को खाता हुआ पाया गया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। चाइना के कुछ निचले वर्ग के इलाकों में इन्हें बेचा भी जाता है। चाइना के कुछ इलाकों में इन्हें कई प्रकार के सॉस और ड्रिंक्स के साथ खाया जाता है। स्नेक्स, सांपों को कई अन्य देशों में भी खाया जाता है, लेकिन चाइना में जहरीले सांपों से लेकर बड़े सांपों को बड़े चाव से खाया जाता है। चाइना के लोग ऐसा मानते हैं कि इसे खाने से इम्यून सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, लेकिन ऐसा कहीं भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि सांपों को खाने से ये सभी चीज़ें दुरुस्त होती हैं। चाइनीज मीट मार्केट। दोस्तों, चाइना के मीट मार्केट में कई अन्य प्रकार के जीवों का भी मीट मिलता है। ऐसे कई जानवर हैं जिनका मीट चाइना में खाया जाता है, जो कि पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।